स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जिसका नाम है रेसिपीज फ्रॉम दिल से। और आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर ब्रेड पकौड़ा। और इसमें मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ दो नई अलग तरीके की चटनियाँ, जो इसको देंगी और भी ज़्यादा बढ़िया सा स्वाद। तो चलिए बनाते हैं। और मेरी वीडियो पसंद आने पर नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पनीर ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एक बोल में बेसन। उसके बाद इसके अंदर हम मिक्स करेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको इससे ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप अपने स्वाद अनुसार इसकी मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये अजवाइन। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, वो भी स्वाद अनुसार। और अब हम इसके अंदर पानी डालकर इसको हम मिक्स करेंगे और एक गाढ़ा घोल इसका हम तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे ये घोल जो है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, अदरवाइज़ वो ब्रेड पर अच्छे से चिपकेगा नहीं, कोट नहीं हो पाएगी हमारी ब्रेड। इसलिए इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कर कर ही पानी ऐड करें और इसको मिक्स करते जाएं। तो जिस स्टेज पर ये आपको इस तरीके से मिले, इतना गाढ़ा घोल, बस उससे ज़्यादा पानी इसके अंदर मिक्स ना करें। तो ये हमारा घोल हो गया है तैयार बेसन का। हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। तो उसके लिए हम ले लेते हैं ये पनीर का पीस और इसको कर लेते हैं कट इस तरीके से। एक ब्रेड के साइज़ का हमें चाहिए पनीर का पीस, तो हम इसको आराम से इसको कट कर लेते हैं। और उसके बाद हम लेंगे ब्रेड स्लाइसेस। और देखिए ये हो चुका है कट। अब ले लेते हैं हम दो ब्रेड स्लाइसेस। और सबसे पहले एक ब्रेड स्लाइस पर मैं लगाने वाली हूँ ये हरी चटनी। ये हरी चटनी जो है ये मैंने पुदीना और पीनट से मिलकर बनाई है। तो इसको लगा देंगे हम एक ब्रेड पर। और अगर आपको इस चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और उसके बाद हम दूसरी ब्रेड पर लगा देंगे ये खजूर, इमली और गुड़ की ये चटनी है, वो हम लगाने वाले हैं इस दूसरी ब्रेड पर। तो यानी कि एक ब्रेड पर मैंने लगाई है धनिया पीनट्स से बनी हुई चटनी और दूसरी ब्रेड की स्लाइस पर लगाई है ये इमली, खजूर और गुड़ से बनी हुई चटनी। बहुत ही स्वादिष्ट चटनी होती है ये भी। और इसे आप, इसकी अच्छी बात यह है कि इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं लगभग 15-20 दिन तक। तो ये दोनों स्लाइसेस पर लग चुकी हैं चटनी। और अब हम अपने पनीर का पीस रख देंगे एक स्लाइस पर और उसको कवर करेंगे दूसरे ब्रेड के स्लाइस से इस तरीके से। और इसको अब हम कट कर लेंगे नाइफ की हेल्प से ट्राइंगल शेप में, लाइक दिस। बहुत इजी रेसिपी है, बट इसका जो बेस्ट पार्ट है ना वो इसकी चटनी है। तो ये जो दो फ्लेवर की चटनी है ये इसको एक ज़बरदस्त टेस्ट देती है। इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। अब हम फिर से इसको कट कर लेते हैं इस तरीके से। और उसके बाद अब हम जो हमने बेसन का जो घोल बनाया है उसके अंदर डीप करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको करेंगे डीप फ्राई। तो ये कट चुके हैं सारे स्लाइसेस। अब एक स्लाइस लेते हैं और आराम से इसको कोट कर देते हैं अपने ये बेसन के मिक्सचर में आराम से। देखिए गाढ़ा घोल होगा तो आराम से सारी ही साइड्स कवर हो जाएंगी, कोट हो जाएंगी। और उसके बाद हम रिफाइंड ऑयल, यहाँ मैंने गरम कर लिया है कढ़ाई में और मीडियम हीट पर ये है ऑयल, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। और उसके बाद हम डालेंगे ये पकौड़े और इसको दोनों साइड तक ब्राउन होने तक हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद इसको निकालेंगे टिश्यू पेपर पर और गरम गरम इसको सर्व करेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा ये ब्रेड पनीर पकौड़ा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।